Welcome back. The all-party delegation that met today to discuss the situation in Kashmir has already ended now, and we're getting in a reaction from the MOSPMO, Jitendra Singh. Let's just listen into what he has to say. And the members of the all-party delegation that visited Jammu and Kashmir, I am going to read out to you the statement which has been unanimously prepared. The statement reads as such: the members of the all-party parliamentary delegation have expressed serious concerns over the prevailing situation in the state of Jammu and Kashmir. The members of the delegation are of the opinion that there is no place for violence in a civilized society, and that there can be at the same time no compromise on the issue of national sovereignty. The members appeal to the people of the state to shun the path of violence and resolve all issues through dialogue and discussion. The members have also asked the central and state governments to take steps to ensure that educational institutions, the government offices, and commercial establishments start functioning normally. The members also requested to government to take effective steps to ensure the security of all the citizens and provide medical treatment to citizens and security personnel injured in the agitation. हिंदी में लिखित रूप में तो नहीं है, परंतु मोटे तौर पर मैं मौखिक अनुवाद में आपको इतना बता दूं मित्रों कि ये जो सर्वदलीय दल जो गया था जम्मू कश्मीर प्रदेश, उनकी आज एक बैठक रही आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, और गृह मंत्री जी के आदेश पर मैं आपके सामने ये एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जो सभी सदस्यों के साथ चर्चा के बाद तैयार की गई है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से इस सर्वदलीय दल के सदस्यों ने एक और तो प्रदेश जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात और परिस्थितियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है, साथ ही साथ सदस्यों का ये भी मानना है और मत है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रहे कि देश की अखंडता और प्रभु सत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। सदस्य ये अपील करते हैं प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हिंसा का रास्ता त्याग करके चर्चा के लिए और बातचीत के द्वारा हर मसले को और प्रत्येक विषय को समाधान करने के लिए सामने आए। सदस्य का ये भी निवेदन है प्रदेश और केंद्र सरकारों से कि शिक्षा संस्थानों को, सरकारी कार्यालयों को एवं उद्योग संस्थानों को खोलने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, और साथ ही साथ जो जो भी नागरिक और दूसरे लोग, भले ही वो सिक्योरिटी के साथ संबंधित व्यक्ति हैं, भले ही वो सिविल सोसाइटी के साथ संबंधित है, जिनको इस सारे घटनाक्रम में किसी प्रकार की क्षति पहुंची है, घायल हुए हैं, उनके इलाज का उचित व्यवस्था की जाए। भले ही वो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, भले ही वो सेना अर्धसेना दलों के सदस्य हैं, और कुल मिलाकर के जो कंसर्न है वो पीडीपी है, नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस पार्टी है। वहां पर बीजेपी शायद उतनी प्रभावी नहीं है जितनी वो जम्मू में है, और जम्मू में कांग्रेस है, बीजेपी है और छोटी पार्टियां भी। तो हमने ये कहा कि जब तक ये मेन स्ट्रीम में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को आप अलग बुला के वो क्या चाहते हैं, और पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो मिलके क्या सुझाव देते हैं वहां नॉर्मल सी लाने के लिए। तो हमने उनके सामने ये चीजें रखी है। एक तो नॉर्मल सी के लिए वहां के स्टेक होल्डर से बात करना चाहिए, और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन, लेकिन खास करके ये जो दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो माने रखते हैं वैली में, उनसे पहले सजेशन लेके उसके बाद में अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ वो सुझाव रखे
तो आगे बढ़ने के लिए एक आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। लेकिन अब इमीडिएटली क्या करना है, तो हमने पहले यही कहा कि नॉर्मलसी लाने के लिए इमीडिएट स्टेप्स आप जो लेना चाहते हैं वो लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना कि ये पैलेट गन्स के लिए उन्होंने वादा किया था कि नहीं करेंगे और पावर सेल चलाएंगे और रोज 1000 पावर सेल वहां पर भेज रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर पैलेट गन से कल एक मौत हो गई। तो इसीलिए हम उसको भी कंसर्न है कि जो कहते हैं उसको भी थोड़ा वो नियंत्रित करें और उसके उसको अमल में लाने की कोशिश करें। और सभी पार्टियों का यही कंसर्न है कि वैली में स्कूल्स चले, कॉलेजेस चले, बिजनेस चले, टूरिज्म चले और जो भी छोटे मोटे कारखाने हैं वो सभी शुरुआत हो और वहाँ के खास करके हॉस्पिटल्स हैं ये सभी चालू करने के लिए तत्काल इमीडिएटली क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो लेना चाहिए, ऐसा ही हमने सभी कहा और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। सर, वी नोटिस दैट व्हेन यू सेड होल्डर्स बोले तो सभी आ जाते हैं, सबसे सबके साथ बात कर सकते हैं। तो वही यस डेफिनेटली ऑल यू शुड स्पीक टू ऑल स्टेक होल्डर मीन्स एवरीबडी हैज कम इन दैट, यू नीड नॉट स्पेल आउट specifically. Thank you. So the government is speaking, government is planning a crackdown. Government will lay a crackdown on separatists. Is that the right moment? Is that the right moment right now? Is it the right time to speak with Pakistan on Kashmir? देखिए वो सब बाद में की बात है, अब हमने इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए इतने हद तक की बात करें, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या चीजें होना है। जब तक आप वहां के स्टेक होल्डर से बात न करें तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, केवल अब इमीडिएट नॉर्मलसी लाने के लिए और सबके वहां कश्मीर के लोगों के हिफाजत के लिए जो करना है वो पहले करना। So,